क्लोज चैम्बर में कोल को हाई टेम्परेचर में एयर के एब्सेंस में जब हीट किया जाता है तो वो कोक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। कोल में मॉइस्चर, ऐश कंटेंट व वॉलेटाइल मैटर्स ज्यादा होते हैं व कोल की स्ट्रेंथ भी कम होती है, इसलिए कोल को स्ट्रेंथ देने के लिए व इसमें से मॉइस्चर, ऐश कंटेंट आदि निकालने के लिए इसे कोक में कन्वर्ट किया जाता है। कोक एक हार्ड सब्सटेंस है जिसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा होता है व वॉलेटाइल मैटर्स, मॉइस्चर और ऐश कंटेंट बहुत कम होता है। आपको बता दें कि ब्लास्ट फर्नेस में यही कोक का इस्तेमाल एज अ फ्यूल किया जाता है। एनालिसिस ऑफ कोल। कोल की क्वालिटी पता करने के लिए मुख्य रूप से दो एनालिसिस किए जाते हैं। पहला, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल। माइंस से जो कोल हमें मिलता है उसमें मॉइस्चर, वॉलेटाइल मैटर व कार्बन की मात्रा और कितना ऐश है ये चेक करने के लिए पीए किया जाता है, जिसके आधार पर ही ये तय किया जाता है कि कौन सा कोल किस तरह के यूज के लिए सही है। दूसरा, अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल। कोल में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि का वेट परसेंटेज जानने के लिए यह एनालिसिस किया जाता है। हमारे अगले वीडियो में हम आपको लेकर जाने वाले हैं भिलाई स्टील प्लांट, जहां इस कोल से कोक को कैसे बनाया जाता है इसकी प्रोसेस आपको दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।